अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नोट के साथ साथ आज रेंज बाउंड सिचुएशन में विटनेस किए गए। ओवरऑल हम देख रहे थे कल की एक पॉजिटिव जेस्चर या एक हम कहेंगे पोटेंशियल मार्केट के अंदर दिखा था, आज मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट टेकिंग में बदलता हुआ दिखाई दिया और फाइनली पूरे दिन हमने विटनेस किया कि मार्केट के अंदर 400 अबव का इंटरडे हाई बना और हमने देखा मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ते हुए दिखाई दी। लेकिन फिलहाल राइट नाउ सिचुएशन जो नजर आ रही है वो रेंज बाउंड सिचुएशन की एंड अप या क्लोजर में नजर आई, क्योंकि ओवरऑल देखा गया कि प्रॉफिट टेकिंग के बाद मार्केट में जो है वही लेवल्स रहे और फाइनली इंडेक्स ने 43,000 के लेवल को कंसोलिडेट किया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स, आज के मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,266.22 के लेवल पर, हाईएस्ट आइटम मार्केट रही 43,709.71, लोअर वॉज 43,126.48 एंड फाइनली क्लोजर 43,250.84। ओवरऑल हम देख रहे हैं कुछ मार्केट के अंदर नंबर्स काफी हद तक कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन में नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ 43,000 के लेवल को कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15.38 का डिक्लाइन नजर आया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 702.21 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 72.88 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 29.27 बिलियन रुपीज। वैल्यू वाइज भी आज 29 बिलियन रुपीज का काम हुआ, इट मींस के ओवरऑल पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की जानिब से काफी हद तक आज बेहतर रखा रहा गया है। वॉल्यूम लीडर्स में पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.45 के डिक्लाइन के साथ, 21.29 पे क्लोजर, 54.42 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। नेक्स्टली हेस्कॉल 0.06 का इजाफा, 15.68 पे क्लोजर, 62.87 मिलियन शेयर ट्रेडेड। एंड लास्टली एसगार्ड 9.36 का इजाफा, 26.11 पे क्लोजर, 42.65 का कारोबार रहा। ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वही स्क्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं जो डेली बेसिस पे काफी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं आजकल। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात की जाए तो वो लोग जो काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे कि मार्केट के अंदर कुछ रैली आए और प्रॉफिट टेकिंग की जाए, तो आज के दिन हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स की जानिब से फाइनली यही देखा गया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है टैक्स के ऊपर, यानी कि एफबीआर की जानिब से जो 8 दिसंबर लास्ट डेट दी गई थी टैक्स फाइलिंग की वो गुजर चुकी है। अब वो लोग जिन्होंने नहीं फाइल किया रिटर्न्स, उनका क्या अब होगा या उनपे क्या पेनल्टी लगेगी, या फिर वो लोग जो बिल्कुल ही अभी तक नॉन फाइलर हैं उनका क्या होगा, आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। फाइलर या टैक्स पेयर वो शख्स या रजिस्टर्ड इदारा है जो कि हर मुआशी साल के अख्ताम पर अपने गोशवारे जिनमें आमदनी और अखराजात की तफसील असासों की फहरिस्त शामिल होती है एफबीआर को जमा करवाता है, और जो शख्स या इदारा ऐसा ना करे वो नॉन फाइलर कहलाता है। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी अगर आप पूरी ईमानदारी और बाकायदगी से टैक्स अदा कर रहे हैं और किसी भी वजह से अपने अदा करदा टैक्सों के गोशवारे जमा नहीं करा रहे तो आप सरासर नुकसान में है। किसी हद तक लोग फाइलिंग से एलर्जिक इसलिए भी हैं कि इसमें अपनी जायदाद और आमदनी का तवाज़ुन साबित करना एक मुश्किल मरहला लगता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे के अलावा टैक्स अदा करने वालों को गोशवारे जमा कराने की तरफ रागिब करने के लिए पिछले वर्षों में इकदाम उठाने का फैसला किया है। यही वजह है कि टैक्स वसूली और टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हवाले से ऐसे अफराद जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए परेशान दिखाई दे रहे हैं। वाज़ह रहे कि एफबीआर टैक्स इस्लाहात और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नादरा के पास मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। नादरा के पास मौजूद शहरियों की मालूमात में उनकी जायदादों, बैंक अकाउंट्स, बैरून मुल्क सफर, बिजली और गैस और दूसरे यूटिलिटी बिल्स, बच्चों के तालीमी अखराजात, गाड़ियों की तादाद, सेहत के अखराजात की तफसीलात समेत बहुत सारे दूसरे अखराजात और मिल्कियतों से मुतालिक मालूमात शामिल होती हैं। अब फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में बजरी कंप्यूटर कोई भी नॉन फाइलर फाइलर बन सकता है। मुतवस्सित के साथ साथ अमीर तबके का मुल्क से मुखलिस होना और टैक्स देना मुल्क को मौशी भंवर से निकालेगा। वाज़ह रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों में अक्सरियत तनख्वाहदार तबके की ही है।
जी विद इन 10 मिनट्स एफबीआर के अंदर टैक्स फाइल किया जा सकता है और इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन भी जो है वो काफी हद तक डेवलप की गई है टैक्स आसान ऐप के नाम से, तो उससे 3 मिनट के अंदर टैक्स फाइल किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करेंगे फिर उसके बाद मजीद डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जीशान मर्चेंट साहब, आप कराची टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइए कि जो ये डेट थी फाइनली 8 दिसंबर, वो ओवर हो चुकी है, अब क्या होने जा रहा है? वो लोग जो फाइलर सिरे से हैं ही नहीं, उनके साथ क्या होगा? और वो लोग जो इस साल नहीं फाइल कर सके एनी हाउ किसी भी रीजन के तहत, तो उनका क्या होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, दो चीजें हैं इस वक्त के एफबीआर ने, एक तो डेट नहीं बढ़ाई, लेकिन एफबीआर ने ये जरूर कहा था कि जिन लोगों को एक्सटेंशन चाहिए तो वो एक्सटेंशन अप्लाई करें, और एक्सटेंशन जो भी अप्लाई करेगा उसको जो है ये जनरसली एक्सटेंशन ग्रांट करेंगे। तो तकरीबन एफबीआर की अपने रिपोर्ट के हिसाब से 3 लाख लोगों ने जो है एक्सटेंशन फाइल की, जिनको सभी को इन्होंने जो है मोस्टली जो है वो एक्सटेंशन को ग्रांट कर दिया। कहीं 13 दिन दिए हैं, कहीं 14 दिन दिए हैं, कहीं 15 दिन भी दे दिए हैं, तो टाइम इस हद तक लोगों को दे दिया है। लेकिन जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, अब उनको पेनल्टी के नोटिसेस अलॉन्ग विद रिटर्न फाइल करने का नोटिस सर्व होना शुरू हो गया है। तो ये एक चेंज है जो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स के मुकाबले में इस साल हम विटनेस कर रहे हैं कि एफबीआर अपनी इन्फोर्समेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चाह रहा है कि अब अपनी वो रिट को महसूस कराए लोगों को, और उन डिफॉल्टर्स को कि जो जानते पूछते टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको जो है अब न सिर्फ पेनल्टी के नोटिस सर्व हो रहे बल्कि उनको कंपेल किया जाएगा कि अपने रिटर्न भी फाइल करें, अदरवाइज उनको पेनल्टी लगा दी जाएगी। राइट। अच्छा, हमने इस रिटर्न फाइलिंग की डेट ओवर होने से पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट देखी थी टीवी के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा था कि हमारे पास जो है वो नाजरा के प्रॉपरली उनका जो कवायद है वो मौजूद हैं और उनकी डिटेल्स मौजूद हैं, कौन लोग इस सर्कल में आ सकते हैं, हमें सब पता है। इस टाइप की कुछ चीजें छोटी छोटी इंडिकेशन दी जा रही थी, उसके बारे में भी बताइए। ये थोड़ा सा रिजिड दिखाई जा रही है, या आपने जैसे वर्ड यूज किया था प्रोग्राम से पहले हार्श, तो इज दैट ट्रू? देखिए, एफबीआर के पोर्टल पे एक उनका स्पेसिफिक एरिया है जिसको वो टैक्स एक्सरे कहते हैं, और उसका नाम एफबीआर के पोर्टल पे टैक्स मालूमात है कि जो एफबीआर के पास रिपोर्ट्स हैं कि किन किन लोगों का क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हुए हैं या क्या क्या टैक्स कटा हुआ है, और उन लोगों ने अगर रिटर्न नहीं जमा कराया तो उनके लिए एक चांस ये है कि वो उस टैक्स मालूमात पे जाके अपना सीएनआईसी नंबर डाल के और अपना पासवर्ड जो उनको जनरेट करना पड़ेगा आईआरएस के थ्रू रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसकी बेसिस पे जो है वो देख सकते हैं कि एफबीआर के पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये यूनिक एक डेटाबेस है एफबीआर के पास, पिछले साल भी उन्होंने इसको लोगों को बताया था, और इस साल अब वो बहुत ज्यादा जो है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि एफबीआर के पास मालूमात है, अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो एफबीआर आ जाएगा। तो एफबीआर इस चीज को अब इन्फोर्स करना चाह रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव एक्ट है ऑन पार्ट ऑफ एफबीआर, लेकिन अगर आप इसको एक कॉमन मैन के नजरिए से देखेंगे तो वो परेशान यकीनन हो रहा है, क्योंकि जो हालात हैं, जब कॉमन मैन फेसबुक यूज कर सकता है या दूसरी जो एप्लीकेशन है वो यूज कर सकता है, तो ये क्यों नहीं यूज कर सकता? जब ईमेल कर सकता है तो ये तो बहुत इजी है कि एक पासवर्ड आपको मिल रहा है तो प्रॉपरली आप उसको ऑन करें नहीं है। देखिए, पासवर्ड जनरेट करना मुश्किल काम नहीं है, अपनी मालूमात चेक करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस मालूमात की बुनियाद पर रिटर्न फाइल करना वो बहुत मुश्किल काम है। राइट। क्योंकि अगर अच्छा, उसकी चीजें अगर हाउसवाइफ है या फिर कोई अनएम्प्लॉयड जो है वो पर्सन है तो वो कैसे टैक्स फाइल करे या फिर वो जीरो फाइल करे, ये भी प्लीज जरा थोड़ी सी आप अवेयरनेस दें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक बेसिक थ्रेशोल्ड है कि अगर आपकी उससे ज्यादा इनकम है तब आपके ऊपर रिटर्न एप्लीकेबल होता है। राइट। 4 लाख रुपए सालाना से ज्यादा अगर आप नहीं कमाते तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉ ये भी कहता है कि अगर आपके पास 1000 सीसी की गाड़ी है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, आपके पास मोबाइल है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, आपके पास 250 गज से ज्यादा की जमीन है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का फ्लैट है तो रिटर्न फाइल करना है, आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर हैं तो तब आपको रिटर्न फाइल करना है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां से नहीं तो यहां से पकड़ लिया है एफबीआर ने कि आपके ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत सारी डाल सही है। किया है या गलत किया है मेरे हिसाब से वो
कौमें तरक्की करती हैं कि जो टैक्स में पार्टिसिपेट प्रॉपरली करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स बेस है आबादी के हिसाब से वो ऑलमोस्ट 1% है। 1% यानी आपकी आबादी 22 करोड़ है और आपके पास टैक्स फाइलर्स 22 लाख भी नहीं हुए इस साल। 18 लाख लोगों ने इस साल का क्या रेशो रहा है? इस साल अभी 18 लाख लोगों ने तकरीबन इक्वल रहा है लास्ट नहीं कमी है कमी रहा। लास्ट ईयर तो देखिए 29 से 30 लाख रिटर्न फाइल हुए थे okay. लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइल हुए थे। दिसंबर टू दिसंबर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें कुछ नंबर हमारा इक्वल चल रहा है। इस वक्त तकरीबन 18 लाख रिटर्न फाइल हुए, 3 लाख लोगों ने एक्सटेंशन अप्लाई की है, तो 18 प्लस 3 21 लाख होते हैं। लेकिन अगर आप 29 लाख से कंपेयर करेंगे तो 8 लाख लोगों ने कम फाइल किया और उन 8 लाख लोगों ने 46% लोगों ने इस बार नहीं फाइल किया। वो उसकी रीजन है कि आप right. उसको मंथ टू मंथ ईयर टू मंथ कंपेयर कर रहे हैं okay. कि आप पिछले पूरे साल के टैक्स रिटर्न जो फाइल हुए उससे कंपेयर कर रहे हैं कि दिसंबर तक कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया okay. तो डेफिनेटली वो रेशो कम नजर आएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि टैक्स अमाउंट ज्यादा कलेक्ट हो गया है इस दफा। टैक्स अमाउंट पिछले साल 16 बिलियन कलेक्ट हुआ था, इस साल जो है वो 22 बिलियन से ज्यादा कलेक्ट हो गया। तो एफबीआर यहाँ पे कह रहा है कि 62% का तकरीबन जंप है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में, वेरस टैक्स रिटर्न जो है। क्या ऐसी चीज क्या एग्जैजरेट किया गया है? क्या नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़े हैं इस बार या फिर रिटर्न ज्यादा फाइल हुए हैं? मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ फाइलर्स तो नहीं बढ़े क्योंकि 18 लाख और प्लस 3 लाख 21 लाख लोगों ने फाइल किया है, तो 8 लाख लोग तो वैसे ही कम है जिन्होंने ना एक्सटेंशन फाइल की है ना उन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल किया है। तो एफबीआर का जो डाटा एज फार एज रिटर्न कलेक्शन है, हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ जाए लोग, लेकिन अगर ये जिस तरह से पेनल्टी के नोटिस दे रहे हैं तो फिर वही फाइलर बनेगा जिसको जरूरत है एटीएल में आने की, अदरवाइज फिर लोग फाइलर नहीं बनेंगे। इतना ज्यादा बेनिफिट्स वैसे तो दिखाई देते हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन लोग क्यों उसको अवेल नहीं करते या दिखाई देता है कि ओवरऑल वो बनना नहीं चाहते? क्योंकि नॉन फाइलर को इतनी ज्यादा मुश्किलात हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अब वो क्यों इतना उनको अवेयरनेस नहीं है, एजुकेट करने की क्यों जरूरत नहीं पेश आती? या फिर एफबीआर प्रॉपरली एजुकेट करे कि फाइलर बने तो आपको ये सहूलियात मयसर आएंगे? देखिए, आप टैक्स फाइलर हैं, आप मुझे बताइए कि जब आप कोई चीज खरीदने जाती हैं आपको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है? प्रॉपरली सारी चीजें आराम से हो जाती हैं, कुछ मुश्किलात नहीं होती। लेकिन जो एक कॉमन मैन जो खरीद भी तो कटता ही है, टैक्स तो कट ही है, आपका टैक्स तो कट रहा है। क्या एयरपोर्ट पे आपके लिए अलग कोई लाइन है इमिग्रेशन की? नहीं है। आप जब कोई चीज खरीदने जा रही है, गाड़ी खरीदने जाती है, तो वही ट्रीटमेंट जो एक नॉन फाइलर है उसको जो मिलता है वही ट्रीटमेंट आपको भी मिलता है। तो जब तक कोई सहूलत दी जाए, डेफिनेटली आप पॉइंट पे आ गए। बस एक टैक्स के ऊपर है कि 50,000 और लाख और इस तरीके से। अब होता क्या है, देखिए होता ये है कि अगर आपको बेसिक सहूलियात मिले कि जैसे आपको हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये लोगों को मिलेगा ना तो फिर वो खुद ब खुद टैक्स देने के लिए स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर तो वो नॉन फाइलर फाइलर का कोई फर्क नहीं रहेगा। दुनिया में टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्पेसिफिक मिल जाए। एक जो नॉन फाइलर है वो क्यों टैक्स नहीं भरता, वो पहला सवाल अगर हम किसी से बात करते हैं तो पहला ये कहते हैं कि यार मुझे क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, मुझे तो कोई फैसिलिटी नहीं है। आप जो टैक्स दे रहे हैं आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है? आपको कोई फैसिलिटी नहीं है। आपका रोड भी वैसे ही टूटा हुआ है जिसका जिस तरह से दूसरे का रोड टूटा हुआ है, आपको भी वही परेशानियां फेस करनी पड़ती है जो दूसरा फेस कर रहा है। आपको भी टैक्स भी आपका टैक्स भी कट रहा है। आप जो सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये ऑनेस्ट फोर्स्ड टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि इनका जो एम्प्लॉयर होता forced. है जी फोर्स्ड इनका एम्प्लॉयर जो होता है वो इनकी तनख्वाह देने से पहले वो टैक्स का अमाउंट काट लेता है। वेर एज बिजनेसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेसमैन जैसा चाहते हैं वो चोरी करके निकल जाते हैं। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, जो इस बार थोड़ी चेंजेस दिखाई दे रही हैं और अभी जो टाइम भी एक्सटेंड नहीं किया गया, तो क्या क्रैकडाउन विटनेस किया जा सकता है? इनिशिएटिव एफबीआर का अच्छा देख रहा हूँ कि इनिशिएटिव एक अच्छा है। एक उन्होंने टोन सेट कर दी है कि जी 90 डेज लास्ट टाइम तो फरवरी तक दिया था, फरवरी 29 तक उन्होंने टोन ये सेट किया कि जी 90 दिन आपको मिलेंगे, 90 दिन में आपको रिटर्न फाइल करना है और अगर 90 दिन में आपने फाइल नहीं किया तो आपको एक्सटेंशन केस टू केस बेस पे तो ग्रांट हो जाएगा लेकिन वैसे ग्रांट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना ये बहुत जरूरी है कि जब तक टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव होगा, यानी टैक्स रिटर्न में फॉर्मूला के एरर्स होंगे, जब तक वो टैक्स सही कैलकुलेट नहीं करेगा तो लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे।
मैं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल साइट कर सकता हूँ इस वक्त कि जहाँ पे टैक्स की वर्किंग गलत हो रही है। अगर वो टैक्स की वर्किंग गलत है तो वो रिटर्न डिफेक्टिव है, और अगर वो रिटर्न डिफेक्टिव है तो 90 डेज की टाइम लिमिट उस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक रिटर्न एरर फ्री नहीं होगा। तो ये एफबीआर को देखना बहुत जरूरी है। कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने इसके ऊपर एक बहुत मुफस्सिल खत लिखा हुआ है, हमें जवाब अभी तक अवेटेड है एफबीआर से। एफबीआर को चाहिए कि जो इश्यूज हमने पॉइंट आउट किए उसको रिजॉल्व करे। तो इस वक्त जो ये फिंगर टिप्स पे हो जाए सारी चीजें प्रॉपरली, ताकि इजी तो हो जाए लोगों के लिए। अगर आसान होगा तो ही आप इजीली रिटर्न फाइल कर सकेंगे, और रिटर्न फॉर्म में अगर दुश्वारियां होंगी तो कोई भी रिटर्न फॉर्म को भरने से पहले मुझ जैसे टैक्स एक्सपर्ट के पास आएगा, टैक्स तो भरेगा ही भरेगा, मुझे फीस भी देगा। तो ये चीज चाहे एफबीआर जैसे टैक्स भी कटता है, ऊपर से टैक्स जो प्रॉपर्टी इंसिडेंट भी आता है ऑब्वियसली। तो ये जो टैक्स आसान ऐप जिसका जिक्र आपने अपने इब्तदाइया में किया, ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। एफबीआर को चाहिए कि इसको प्रोपेगेट करे बहुत ज्यादा, और जब तक वो लोगों को ये बताएंगे नहीं कि इसमें आप 3 से 5 मिनट में रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं, तो लोगों को तब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं, जब तक एजुकेट नहीं होंगे तो प्रॉपर्ली उनको यूज नहीं। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं खाने की या चीजों की, तो वो इतनी ज्यादा लोगों को यूज करना आती है, तो फिर ये तो एक प्रॉपर्ली हमारी नीड ऑफ द आवर भी है और हमारे लिए नेसेसरी भी है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपना टैक्स फाइल करें, और विदाउट एनी एक्सपर्ट हम प्रॉपर्ली कुछ फीस दिए बगैर प्रॉपर्ली फाइल कर सकें। जीशान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जीशान, ये तो हुई प्रॉपर्ली इन चीजों की बात, एजुकेट करने की बात, और नॉर्मल लोगों के लिए एक वो जो घरों में रहते हैं वो फाइल कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने आज प्रोग्राम में डिटेल डिस्कस किया। ज्यादातर वो हजरात जो अब तक टैक्स फाइलर नहीं है लेकिन उनके बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसेस हैं, या फिर रिटेल का काम है, डेली बेसिस का पैसों का काम है, रेस्टोरेंट है, या हम देखते हैं ज्यादातर कैश का काम है, तो उनके ऊपर क्या क्रैकडाउन तवक्को की जा सकती है, कि क्या क्रैकडाउन होने वाला है? अब देखें, एफबीआर ने इस वक्त, जैसे आपने रेस्टोरेंट की बात की, तो एफबीआर ने रेस्टोरेंट्स के लिए कुछ 12 ऐसे बिजनेसेस हैं या ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको एफबीआर ने कहा कि उनको पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन एफबीआर से अपना लिंक स्टैब्लिश करना है, उसके लिए एक डेडलाइन दी गई है। अब अगर रेस्टोरेंट में कोई भी कैश रजिस्टर है तो वो एफबीआर चाहता है कि उसको ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे जो भी इनवॉइस उससे जनरेट हो रही है तो एफबीआर के पास उसका डेटा चला जाए, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप कैसे जाएगी। अब ये ऑब्वियसली आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा और नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, तो उसकी बेसिस पे आपको जो है वो रियल टाइम बेसिस पे जैसे ही कोई ऑर्डर पंच होगा और उसकी इनवॉइस जनरेट होगी तो वो डेफिनेटली एफबीआर के पास रियल टाइम बेसिस पे चला जाएगा। एक अच्छा स्टेप है, लेकिन फिर वही बात है कि इसको इन्फोर्स कैसे करेंगे। सिर्फ आप लोगों को डरा के इन्फोर्स नहीं कर सकते, आप उन्हें सिखाइए, उसकी इफादियत बताइए, और फिर उससे इन्फोर्स कराएंगे तो वो खुशी। एग्जैक्टली निशान साहब, ये इन्वॉइस वाला जो सिस्टम है मैं दोबारा समझना चाहूंगी, मैं इससे समझने से कासिर हूँ। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,031 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,292 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1,843.85 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 47.08 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 50.37 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193.50, सेलिंग वॉज 196 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 212 रुपीज, सेलिंग वॉज 215, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.20, सेलिंग वॉज 160.80, चाइनीज युआन बाइंग 24.50, सेलिंग वॉज 24.65, एंड अगेन सऊदी रियाल बाइंग 43 रुपीज, सेलिंग वॉज 43.60, यूए दिरहम बाइंग 44 रुपीज, सेलिंग वॉज 44.50, कुवैत दिनार बाइंग रही 498 रुपीज, सेलिंग वॉज 500.50, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 410.50, सेलिंग वॉज 412.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस स्टक नजर आ रहे हैं, वेयर एज ओवरऑल गोल्ड प्राइस की हम बात करेंगे। लोकल मार्केट में कुछ प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एट द सेम टाइम डॉलर जो है वो 160 के अराउंड ट्रेड करता हुआ, रुपी जो है वो दिखाई दे रहा है डॉलर के अगेंस्ट। जीशान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जीशान, ओवरऑल इनवॉइसेस की बात कर रहे थे हम, अगर कोई कैश का काम करता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, अगर वो प्रॉपरली एक टेबल से या रेस्टोरेंट से वॉट एवर इट इज पैसे लेता है और अपने जाके वॉलेट में डाल लेता है, तो उसके ऊपर ये एफबीआर कैसे क्रैकडाउन करेगी? देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरीके से क्रैकडाउन किया जाए, लेकिन अलबत्ता जितने भी प्रॉपर रेस्टोरेंट्स हैं अब उनके पास कैश रजिस्टर्स होते हैं कि जो ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर
कंप्यूटराइज प्रिंटेड स्लिप देते हैं, उस पर वो सेल्स टैक्स भी चार्ज कर रहे थे, एसआरबी चार्ज कर रहे हैं। तो फिर एक उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए और वो चेक करे या प्रॉपरली एफबीआर की तरफ से। होता ही है कि जैसे उनके कैश रजिस्टर होते हैं उसमें डेली की रिपोर्ट निकलती है, वो रिपोर्ट जो है अगर वो डेली बेसिस पे एफबीआर के पास जा रही है तो एफबीआर अपने पास एक डेटाबेस बना सकता है और उससे वो सेल्स जो भी डे टू डे बेसिस की सेल्स है उसको मॉनिटर किया जा सकता है और इसी तरह से एक महीने और एक साल की सेल्स को मॉनिटर किया जा सकता है। और वो सेल्स को जो है क्योंकि वो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड एसआरबी के साथ एज सर्विस प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हैं, तो उस सेल को उससे मैच किया जाए कि वो जो वहां सेल्स बताई जा रही है, क्योंकि एसआरबी में मंथली टैक्स रिटर्न्स भरते हैं लोग और यहां पे एनुअल टैक्स रिटर्न होता है, तो इसलिए उसको उससे कंपेयर करना चाहिए और फिर निकल सकता है डिफरेंस। और इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम बट हम एवोल्यूशन प्रोसेस में अब आ गए। एग्जैक्टली हम आ चुके हैं। थैंक यू सो मच रिशान मर्चेंट साहब, हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस ओवरऑल टैक्स पेयर्स के हवाले से, टैक्स डिटेल्स के हवाले से, फाइलिंग के हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल डिस्कशन की। मार्केट की बात करें तो एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज bizstock@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।